रहीम केमिस्ट्री जमात दहम चैप्टर नंबर 11। आज का हमारा टॉपिक है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बेटा लेसन शुरू करने से पहले चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल प्रेस को, ऑल ऑप्शन के बटन को भी प्रेस करें। आइए आज का लेसन हम शुरू करते हैं। पेज नंबर है हमारा 61, सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये चार्ट बेटा आपने ज़बानी याद करना है ताकि आपको इनके नाम कम से कम याद हो जाएं फर्स्ट अटेम्प्ट में, बाकी इनकी डिटेल हम बाद में याद कर लेंगे। तो सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मेन जो सोर्सेज हैं वो है दो, एनिमल्स और प्लांट्स। फिर बेटा एनिमल से हम क्या हासिल करते हैं, प्रोटीन्स और फैट या ऑयल्स। प्रोटीन किस फॉर्म में होती है, एग, मटन, चिकन, बीफ और फिश, बुक ऊपर देखें आप। फिर जो फैट और ऑयल है वो मिल्क, बटर और चीज़ की शक्ल में होती है। एक एक दो दो एग्जांपल भी लिख लें इसकी आप। एग्स, इसकी मिल्क। अब इधर आ जाएं प्लांट्स में, जो डेड प्लांट्स हैं उनसे हम क्या लेते हैं, उनसे बेटा हम लेते हैं कोल, पेट्रोलियम और गैस। जो लिविंग प्लांट्स हैं उससे हम क्या लेते हैं, उससे हम लेंगे जी नंबर वन कार्बोहाइड्रेट्स, फिर प्रोटीन, विटामिन्स, ऑयल। तो बेटा इनकी डिटेल हमने देखनी है अभी। आज के लेसन में आपने इनको सिर्फ इसकी जो आउटलाइन है उसको देखना है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पेज नंबर है 61। जो बच्चे बुक सामने रखेंगे उनको जल्दी समझ आ जाएगा। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मेन सोर्सेज दो हैं, एनिमल और प्लांट्स। फिर एनिमल से हम क्या लेते हैं, प्रोटीन, एग, मीट की शक्ल में, फैट या ऑयल, मिल्क और बटर की शक्ल में। आगे प्लांट को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, डेड प्लांट और लिविंग प्लांट्स। डेड प्लांट से हम कोयला हासिल करते हैं, पेट्रोलियम हासिल करते हैं और गैस हासिल करते हैं। जो लिविंग प्लांट्स हैं उनमें से हम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन और ऑयल वगैरह हासिल करते हैं। इसके बाद यहाँ से हम शुरू करने लगे हैं जी कोल। व्हाट इज कोल, बेटा कोल जो है ना, क्वेश्चन के लिहाज से हम देखेंगे, डिफाइन कोल एंड राइट इट्स टाइप्स। डिफाइन कोल एंड राइट इट्स टाइप। अगर पेपर में आ जाए कि इसका सोर्स क्या है, तो इसका सोर्स है डेड प्लांट, इसका सोर्स डेड प्लांट है। अब कोल की डेफिनेशन क्या है, देखें जरा। कोल इज ए ब्लैकिश कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये जो कोल है ये मिक्सचर है, ये मिक्सचर, कंपाउंड, एलिमेंट, ये ऑप्शन आते हैं एमसीक्यूज में। ऊपर लिखा होता है कोल इज ए, ऑप्शन में आ गया मिक्सचर, कंपाउंड या एलिमेंट या नन ऑफ दिस। तो जिनको पता होगा वो लिखेंगे मिक्सचर। फिर इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर कंपाउंड्स। इसमें कुछ मिकदार में नाइट्रोजन और सल्फर भी होती है। देन ये कोल बनता कैसे है, ये जो बुक है ना इसको ऊपर आप हेडिंग दे सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ कोल, कि कैसे बनता है ये। बेटा इसके बनने का जो प्रोसेस का नाम है वो है कार्बोनाइजेशन। कन्वर्जन ऑफ वुड इंटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। अब ये कार्बोनाइजेशन होती कैसे है, व्हेन प्लांट्स
buried in soil. जब डेड प्लांट ज़मीन के नीचे दब जाते हैं, कई सालों तक दबे रहते हैं, तो ज़मीन के प्रेशर, मॉइस्चर, टेम्परेचर की वजह से वो कोल में चेंज हो जाते हैं। दरख्त को देखें ना आप, दरख्त की लकड़ी किस तरह की होती है और कोयला किस तरह का होता है। ये मैं रीडिंग करने लगा हूँ। कन्वर्जन ऑफ वुड इंटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। अब पेपर में आ जाते हैं व्हाट इज कार्बनाइजेशन, तो ये इतना लिखना है आपने। आगे इसको डिफाइन कैसे करना है, इट इज़ ए वेरी स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस, इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अबाउट 500 मिलियन ऑफ ईयर्स, 500 मिलियन साल में। 1 मिलियन इज इक्वल टू, बताएं जरा, 10 लाख। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 500 मिलियन में कितने लाख साल हो जाएंगे। ये नहीं कि आज वो मिट्टी को अपने दबाएंगे हम लगे तो कल कोयला बन जाएगी, नो, ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। जो कोयला आज हम यूज़ कर रहे हैं, अंदाज़ा लगा लें पीछे 500 मिलियन साल पहले वो बनना शुरू हुआ होगा। तो बेटा ये कार्बनाइजेशन जो है ना, ये बहुत स्लो और लॉन्ग प्रोसेस है। ये तकरीबन 500 मिलियन साल में कम्प्लीट होता है। अब आगे वुड की डेफिनेशन और कोयले के 4 टाइप्स वो बता रहे हैं। वुड कंटेन्स अबाउट 40% ऑफ कार्बन, सो डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ कार्बनाइजेशन प्रोसेस 4 टाइप्स ऑफ कोल आर फाउंड। कार्बनाइजेशन के लिहाज से कोयला 4 किस्म का है। बस ये लकड़ी का बीज है ना, इसको हमने, इसमें 40% कार्बन है, कितना है, इसको हमने मिट्टी के नीचे दबा दिया, प्रोसेस होता हो रहा है, और जितना ज़्यादा इसमें कार्बन होगा उस लिहाज से इसको क्लासीफाई करेंगे। डिपेंडिंग अपॉन द कार्बनाइजेशन, ये कितना कार्बन में चेंज हो गया है, उसके लिहाज से हमने इसको 4 ग्रुप्स में डिवाइड किए। पेज नंबर 62 पे आ जाएं। पहले ग्रुप का नाम है पीट, इसमें 60% कार्बन होती है। वुड में कितनी होती है, 40, इसका मतलब कि अभी 20% कार्बन कोल में चेंज हुआ है, इसमें 60% कार्बन है। अब इसकी क्वालिटीज़ क्या हैं, इट इज़ इन्फीरियर क्वालिटी कोल, ये घटिया दर्जे का कोयला है। यूज इन किल्न, किल्न कहते हैं भट्टे को जहाँ लोहा मेल्ट किया जाता है। लिग्नाइट, इसमें 70% कार्बन है। इट इज़ सॉफ्ट कोल यूज इन थर्मल पावर स्टेशन, बिजली घर जो हरारत से चलते हैं उनमें यूज होते हैं, टर्बाइन चलाने के लिए। बिटुमिनस, इसमें 80% कोल है। इट इज़ कॉमन वैरायटी ऑफ कोल यूज एज हाउस होल्ड कोल। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने ये कोयला इस्तेमाल किया है, तो इसका जवाब जिन बच्चों को पता है वो कहेंगे यस। जब हम बारबेक्यू करते हैं ना, तो वो जो कोयला यूज़ करते हैं वो ये वाला होता है। फिर एंथ्रासाइट, इसमें 90% कार्बन है, इसमें 90% कार्बन है। इट इज़ स्पीड क्वालिटी ऑफ कोल, हार्ड कोल है ये, और इसको हम इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, कारखानों में यूज़ करते हैं। और इसके अलावा कुछ जनरल बातें हैं वो भी देख लें। बाज़ार से हम कोयला लेके आते हैं, उसको हीट करते हैं, जलाते हैं, तो वो धुआं बना देता है, शोला नहीं बनता। धुआं देने का मतलब है कि अभी उसमें कार्बनाइजेशन का अमल कंप्लीट नहीं हुआ, अभी उसमें लकड़ी ज़्यादा है और कोयला कम बना है। आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, बेहतरीन कोयला और एक लकड़ी का पीस दोनों जलाएं, तो जो लकड़ी का पीस होगा वो ज़्यादा धुआं छोड़ेगा। जब हम बारबेक्यू करते हैं ना, तो कुछ कोयले ज़्यादा धुआं देते हैं, कुछ कोयले कम धुआं देते हैं, जल्दी जल जाते हैं। तो जो कोयले ज़्यादा धुआं देते हैं, इट मीन्स कि उनमें कार्बनाइजेशन का अमल कंप्लीट नहीं हुआ। तो बेटा आज का लेसन हमारा इतना ही है, कल हम देखेंगे जब हम कोल को हीट करेंगे तो फिर क्या हमें असर हो, इसको देख लें कुछ।